जीत रहे हैं बोल रहे हैं मोदी से हार जाएंगे, हम किसी से हमेशा आपकी सेना जीती है और जीतेगी, आप सभी से हमें भी कहेंगे कि जिताइए, अगर सेना हार जाएगी सब हार जाएगा। हम देश के असली चौकीदार देश की बातें बोल रहे हैं, हारने कोई सवाल ही नहीं उठता है, हमने हमेशा जीता है, हम हारे देश हारा, आपके असली चौकीदार हैं आप, हमारी बात सुनिए, तेज बहादुर की बात देश के साथ, अगर आपको लगे आप जरूर सपोर्ट करिए किसी पर, लेकिन हम अपनी बात रखें, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, हमारे लोकल सभाओं में आइए, 24 तारीख को जो है हमारे उसमें नामांकन में आइए, सब चाहिए, हम देश के सामने एक्सप्लेन करेंगे, अगर आप टैक्स पे देते हैं तो आपको जानने का हक मिलता है कि हमारे सुरक्षा के साथ क्या हो रहा है। असली चौकीदार को जानते हैं आप लोग, वे लोग जो 5 साल के चुने जाते हैं, या वे लोग जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर एसी ऑफिस में बैठ के एसी रूम में और देश की कमान विजिट जाते हैं, बॉर्डर पे विजिट करते हैं, आई विजिट एट दिस यूपी एट दिस पोस्ट एट दिस थाना, कि वे लोग जो आपके सामने पुलिस लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, वे लोग जो विशुद्ध किसान के बेटे होते हैं और सरहद को ओढ़ते हैं, सरहद को बिछाते हैं, कौन है असली चौकीदार बताइए आप लोग, हम काशी जनता का सवाल रख रहे हैं, बताइए कौन असली चौकीदार है, सवाल है, हम जीतेंगे, हमने 65 जीता है, 71 जीता, करगिल जीता, 1947 जीता, हम जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, सेना नहीं हार सकती है और हम आज खड़े हैं। जय हिंद। नामांकन हम 24 तारीख को कर रहे हैं, सुबह 9 बजे टकसाल सिनेमा के पास हमारे लोग सभी एकत्रित हो रहे हैं और देश के हर कोने कोने से जितने भी हमारे फौजियों के वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जितने भी संगठन हैं, पीड़ित जवान हैं और हर कोने कोने से आ रहे हैं, हमारे किसान संगठन भी हमारे साथ आ रहे हैं और बाकी सरकारी जितने भी संगठन हैं, कर्मचारी संगठन वो भी आ रहे हैं, मजदूर संगठन वो भी लोग आ रहे हैं, सभी लोग देश के कोने कोने से और बनारस की यहाँ की जनता जो है वो भी सभी हमारे साथ। नहीं, ये सही नहीं है, गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो ऑन सर्विस हैं और उनको अभी उनकी जाँच चल रही है, वो नहीं आ सकते, ना ही हमारी उनसे कोई बातचीत हुई है, वो झूठी अफवाह है। एक बीच में एक और झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि तेज बहादुर जी चुनाव नहीं लड़ रहे, तो वो आपके माध्यम से कहना, तो हम तो नामांकन करने जा रहे हैं 24 तारीख को और आम आदमी पार्टी भी हमारे समर्थन, उनके सारे कार्यकर्ता वगैरह हमारे साथ में लगे हुए हैं और गठबंधन जो है अपना व्यू कल तक दे देगा, वो हमें समर्थन देगा या नहीं देगा वो उसका मर्जी है, बाकी हम तो उनसे कहा है कि वाकई में आप देश के साथ हैं, आप राष्ट्रहित की बात करते हैं तो एक जवान के आप साथ खड़ा हुई है। तो एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के अंदर जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने 400 मारे 500 मारे, तो सेना की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, ना ही सेना देती है, क्योंकि सेना नहीं चाहती कि राजनीति में ये चीज़ें, आज पहली बार नहीं हुई है, जब से देश आज़ाद हुआ दो दो बार युद्ध भी लड़ा गया आपने देखा, और हमारी सेना कितनी मजबूत है वो आपने देखा होगा कि दूसरे देश में जाके एयर स्ट्राइक करके वापस आ रही है, बड़ा हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारी सेना कितनी मजबूत, हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि दोनों देशों के साथ, इधर पाकिस्तान चाइना के साथ 24 घंटे के अंदर उनको ख़त्म करने की क्षमता रखती है, लेकिन उस पर राजनीति करना गलत है, उसके ऊपर सिर्फ राजनीति की गई है ये गलत है। और कह रहे हैं कि शहीदों के नाम पे एक वोट, तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक इतने बड़े पद पे बैठे हो, उन वो शहीद नहीं हैं, आप क्यों गलत गुमराह कर रहे हैं देश को, शहीद है ही नहीं, वो तो मरे हैं, शहीद किसे कहा जाता है उन्हें यही नहीं पता, बताइए देश का दुर्भाग्य देखिए।